वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। ये हमारा इस चैप्टर में पहला टॉपिक होगा। तो पहले हम इसकी मीनिंग और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में ज़रा स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड से पहले इसकी शुरुआत हुई थी। एक ग्रीक वर्ड था पोलिस, विच मीन्स सिटी और स्टेट, उसका मतलब था सिटी स्टेट। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? फोर्थ या फिफ्थ सेंचुरी में, जब ग्रीक में सिटी और स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, तो उसके साथ ही पॉलिटिकल साइंस जो है ये इमर्ज हुआ। अब जब वहाँ पर सिटी और स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, तो उसको स्टडी करने के लिए एक सब्जेक्ट की ज़रूरत थी, और इसी के तहत पॉलिटिकल साइंस हमारे पास वजूद में आया। ये इसने बढ़ना शुरू किया, और जो ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल और प्लेटो, इन दोनों ने इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन की। अच्छा, तो चलिए अब ज़रा पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन करते हैं। अब देखें, पॉलिटिकल हमारे पास जो है ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा सोशल एस्पेक्ट है उसको स्टडी करने के लिए हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। इस तरह पॉलिटिकल साइंस जो है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ को स्टडी करता है। पॉलिटिकल साइंस की जो है इसकी बहुत ज़्यादा डिफिनीशंस है, आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिफिनीशंस मैंने लिखी हैं। फर्स्ट डिफिनीशन जो है, पॉलिटिकल साइंस इज द पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच ट्रीट्स ऑफ द फाउंडेशन ऑफ स्टेट एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है ये एक सोशल साइंस की पार्ट है, जो कि डील करता है फाउंडेशन मतलब बुनियाद, स्टेट की बुनियाद, और प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट के क्या प्रिंसिपल है। जो दूसरी डिफिनेशन है, पॉलिटिकल साइंस बिगेन एंड एंड विद द स्टेट, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में हम जो है स्टेट्स के गिर्द घूमते हैं, हम स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करते हैं, स्टेट में फिर पीपल होते हैं, हम पीपल्स को स्टडी करते हैं, इस तरह स्टेट के एरिया होते हैं। जो तीसरी डिफिनीशन है, पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द स्टेट एंड गवर्नमेंट, बिल्कुल वही। तो इन सिंपल वर्ड्स, पॉलिटिकल साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट रिलेशनशिप ऑफ द रूलर एंड रूल्ड। अब जो है इसकी नेचर पढ़ते हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस की नेचर क्या है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है एक सोशल साइंस है, और इसमें हम जो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, जो सियासी पहलू होता है इंसानों की ज़िंदगी का, हम वो डिस्कस करते हैं। अब जो है तो इसमें हम एनालिसिस करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन पॉलिटिकल सिस्टम, हम इसमें पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट इन द प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, इसमें हम जो है स्टेट की जो मौजूदा हालत है या उसकी जो पास्ट में जो हालत थी वो स्टडी करते हैं, हम इसमें स्टेट के बारे में फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं। अब जो है तो नेचर के बारे में हमारे पास दो व्यूज़ हैं या व्यू पॉइंट या नज़रिए हैं कि पॉलिटिकल साइंस, कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है, और कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स है। अब पॉलिटिकल साइंस हमारे पास साइंस कैसे हैं, तो उसे ज़रा डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है, जो हम उसके हक में देते हैं कि पॉलिटिकल साइंस हमारे पास एक साइंस है, तो वो है कि रिसर्च। क्योंकि जिस तरह फिजिकल साइंस में हमारे पास रिसर्च इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल उसी तरह पॉलिटिकल साइंस में भी हमारे पास रिसर्च इन्वॉल्व होता है। हम जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो होता है वो रिसर्च करता है, और उसकी बुनियाद पर ही वो अपना जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू उसकी बुनियाद पर ही वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाता है। अच्छा, तो ये एक देखें, एक सिंपल चार्ट है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह एक थीसिस बनता है, और फिर डेटा कलेक्शन होती है, स्क्रीनिंग ऑफ डेटा यानी कि डेटा फिल्टर होता है, और फिर उसमें सिलेक्शन ऑफ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, और फिर हाइपोथेसिस बनता है, इसी तरह वेरिफिकेशन होती है, फिर थ्योरी बनती है, और जब थ्योरी की मजीद वेरिफिकेशन होती है तो फिर वो एक लॉ बन जाता है। तो बिल्कुल ये ही फॉर्मेट जो है जिस तरह साइंस में यूज़ होता है, बिल्कुल इसी तरह जो है वो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में भी यूज़ होता है। अब जो है जो दूसरा पॉइंट है कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है, तो वो है एक्सपेरिमेंटल। अब ये किस तरह एक्सपेरिमेंट, जिस तरह फिजिकल साइंस में हमारे पास लैब में साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह पॉलिटिशियन जो है या जो गवर्नमेंट होती है वो एक स्टेट में एक्सपेरिमेंट करती है, और इसमें जो हमारे पास जो स्टेट होते हैं वो एक लेबॉरेटरी की तरह होते हैं। मतलब किसी स्टेट में हमारे पास कम्युनिज्म होते हैं और
किस स्टेट में हमारे पास जो है कैपिटलिज्म होता है। ठीक है, इस तरह प्रोडिक्शन जो है, तो जिस तरह साइंस में हम प्रोडिक्शन करते हैं, बिल्कुल इस तरह प्रोडिक्शन जो है हम पोलिटिकल साइंस में भी करते हैं। अब आइए दूसरे नज़रिए की तरफ, कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक आर्ट्स है, तो पॉलिटिकल साइंस क्यों एक आर्ट्स है? तो नंबर फर्स्ट है ह्यूमनिस्टिक नेचर। अब ये क्या है, जिस तरह हमने इससे पहले पढ़ा कि पॉलिटिकल साइंस जो है तो वो इंसानों की जो सियासी ज़िंदगी है इसका उसके साथ ताल्लुक है, तो बिल्कुल पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो इंसानों की जो सियासी ज़िंदगी है उसको स्टडी करते हैं। और आपको पता है कि इंसान की जो बिहेवियर है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज होती है, तो इस ये यही जो है पॉलिटिकल साइंस को साइंस से डिविएट कर दी है, क्योंकि साइंस जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में चूंकि हमारे पास ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमन की बिहेवियर चेंजेस होती हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस जो है वो हमारे पास एक साइंस नहीं बल्कि एक आर्ट्स है। इस तरह इम्बेलेंस इन रिसर्च एंड इक्वायरी। अब जो है जो हमारे पास जो रिसर्च होती है पॉलिटिकल साइंस में वो फिजिकल साइंस की तरह नहीं होती, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया है कि इसमें जो है तो ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर चेंज होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो है टाइम के चेंज के साथ जो है वो पॉलिसीज बदलती हैं, तो इसलिए इसमें इम्बैलेंस होता है इन रिसर्च एंड इंक्वायरी। और जो थर्ड पॉइंट है वो है पार्शियलिटी, तो पार्शियलिटी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि जब भी कोई साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, वो उसी के मुताबिक रिसर्च करते हैं। मिसाल के लिए अगर कोई कम्युनिस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट है तो वो कम्युनिज्म के हक में ही रिसर्च करेगा, इस तरह जो कैपिटलिज्म के हक में जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं तो वो उसके हक में ही रिसर्च करेगा, तो इसलिए इसमें पार्शियलिटी होती है, और ये पार्शियलिटी जो है वो हमारे पास फिजिकल साइंस में नहीं होती। अच्छा, अब डिस्कस कर लेते हैं कि स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है। अच्छा, अब स्कोप क्या है, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं, तो स्कोप का मतलब है कि एक सब्जेक्ट कितना एरिया कवर करते हैं, उसकी एक्सपेंशन क्या है, या आप एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट जो है तो वो स्टडी ऑफ स्टेट, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि पॉलिटिकल साइंस में जो है तो स्टेट एक इम्पॉर्टेंट होता है, और हम उसे में स्टेट को स्टडी करते हैं। फिर स्टेट के अंदर हमारे पास गवर्नमेंट होती है, तो हम स्टडी ऑफ गवर्नमेंट भी इसमें करते हैं फ्रॉम वेरियस एंगल्स। अच्छा, फिर जो है हम इसमें पॉलिटिकल थ्योरी जो है, जो हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं वो पॉलिटिकल थ्योरी पेश करते हैं, ठीक है, वो और पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हमारे पास नेचर एंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करती है, तो हम इसमें पॉलिटिकल थ्योरीज को पढ़ते हैं। इसी तरह हम जो है स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, तो पॉलिटिकल साइंस में जो हम सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट को नहीं पढ़ते बल्कि जो लोगों के हकूक हैं और जो लोगों की जिम्मेदारी है हम उसे भी पढ़ते हैं। इसी तरह जो है स्टडी ऑफ रिलीजियस एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो जो हमारे पास इकोनॉमी है या इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भी जो है पॉलिटिकल सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, तो हम इसमें जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि हमारे पास कम्युनिज्म होता है, सोशलिज्म होता है, वो भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा रिलीजन का जो है पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल होता है, तो हम रिलीजन को भी इसमें स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल रिलेशन, तो हम जो है पॉलिटिकल साइंस का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ताल्लुक है इंटरनेशनल रिलेशनशिप के साथ, क्योंकि हमारे पास आजकल की दुनिया में कोई भी स्टेट जो है तो वो अलहदा नहीं रह सकता, वो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, तो इसके लिए इंटरनेशनल रिलेशन की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और मज़ीद इस तरह के लेक्चर सुनने के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं जो है पॉलिटिकल साइंस का सारा कोर्स कवर करूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके वक्त पर। शुक्रिया।